कि वो मेरे मामू हैं, वो हाँ मुझे पता है जब मैं बड़ा होंगे ना मुझे नौकरी पर लगवा देंगे, वो उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो नहीं मेरे अबू हैं उनके पास बहुत पैसे रखे हुए हैं, वो ना मुझे कोई बिज़नेस करा देंगे, नहीं नहीं वो मेरे जानने वाले हैं, वो ना मुझे किसी अच्छी स्कूल में लगवा देंगे, वो उनके बड़े कॉन्टैक्ट। व्हाट द हेल। ये है कि अगर इस सारी चीज़ में अब आपका पर्पस कोई नहीं है ना, तो आपका ब्रांड भी कोई नहीं है। यूनिलीवर ने अभी रिसेंटली जब नया सीईओ आया, जो वर्ल्ड वाइड आया, उसने कहा कि हम अपनी प्रोडक्ट लाइन में से वो प्रोडक्ट ही निकाल देंगे जिसका कोई पर्पस नहीं है। ये यूनिलीवर कह रहा है। तो अब जो स्ट्रेटजी वर्ल्ड लेवल पे जो चेंज हो रही है वो इस तरह से चेंज हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि जब तक आपका कोई पर्पस नहीं है यूनिवर्स के साथ, तो आप एक बड़ा ब्रांड नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपसे वो क्वेश्चन आपको ज़रूर सबको पता होना चाहिए, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हम जब छोटे होते हैं तो हमसे पूछा जाता है, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको ट्रांसफॉर्म होना चाहिए कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो ओल्ड, पूछा गया है ना, सबसे पूछा गया है। आपको पता है ये क्वेश्चन ही गलत है। ये क्वेश्चन गलत इसलिए है कि यहाँ से ही हमारा पर्पस छोटा हो जाता है। तो जब आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो ओल्ड, तो आप क्या कहते हैं, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, व्हाटएवर व्हाटएवर व्हाटएवर। ये पाकिस्तानियों के सारे गोल इसी छोटी छोटी चीज़ में घुसते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उनके तो इतने बड़े बड़े गोल्स हैं, कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पता है क्या है वहाँ पे, हाउ वुड यू लाइक टू सर्व द यूनिवर्स व्हेन यू ग्रो ओल्ड। यू सी, पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। अब आप चाहे डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप बिजनेसमैन बने, आप यूनिवर्स के लिए काम करेंगे, आप पाकिस्तान के लिए नहीं काम करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान से शुरू होगा और आपका गोल यूनिवर्स को जोड़ना होगा। तो यहां से एक पहला जो डायमेंशन है ना वो चेंज हो जाएगा। तो आपका ब्रांड, आपका डिफरेंशिएटर कब डिफरेंशिएट करेगा, जब आप पहले दिन से ही, जो इकबाल कहते हैं ना कि सितारों पे आपने कमान डाला, आपने यह छोटा मोटा नहीं सोचना, इम्पॉसिबल सोचना है, एक्चुअली इम्पॉसिबल सोचना है। तो जब आप इम्पॉसिबल सोचेंगे तो अल्लाह ताला आपको वो एबिलिटी देंगे कि आप पॉसिबल बनाएंगे। तो इट इज़ आई एम पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ आई एम पॉसिबल। इसको, इस वर्ड को ऐसे देखें। तो जब तक आप चीज़ को नहीं खोलेंगे, चीज़ ने खुद प्लेटों में रख के नहीं आना कि वो मेरे मामू हैं, वो हाँ मुझे पता है जब मैं बड़ा होंगे ना मुझे नौकरी पर लगवा देंगे, वो उनके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, वो नहीं मेरे अबू हैं उनके पास बहुत पैसे रखे हुए हैं, वो ना मुझे कोई बिज़नेस करा देंगे, नहीं नहीं वो मेरे जानने वाले हैं, वो ना मुझे किसी अच्छी स्कूल में लगवा देंगे, वो उनके बड़े कॉन्टैक्ट। व्हाट द हेल। वो जिन गलतियां जो वो पिछले लोग करते रहे हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आपको कहीं रखवाएंगे और फिर आपको रखवा ही देंगे एक्चुअली। तो इससे पहले कि कोई आप की लगाम पकड़े, आपको खुद ऐसा गोल सेट कर देना कि लोग आपके पीछे चलना शुरू हो। सो दैट्स हाउ यू बिल्ड ब्रांड्स।